ईडी और सीबीआई के छापों ने देश भर में हलचल मचा दी है। इसी कड़ी में कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर नया विवाद सामने आया है। सीबीआई हाईकोर्ट पहुंच गई है, जिस पर शिवकुमार का आरोप है कि उन्हें राजनीतिक कारणों से परेशान किया जा रहा है। अपने बयान में भाजपा पर आरोप लगाते हुए डीके शिवकुमार नजर आए हैं। क्या कुछ मामला है, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बीजेपी पर जांच एजेंसियों के सियासी इस्तेमाल के आरोप तेज होते जा रहे हैं। विपक्ष के साथ साथ अब जनता भी इस पर नाराजगी दिखा रही है, जिसका उदाहरण कल पश्चिम बंगाल से सामने आया है। वहीं अब कर्नाटक में जांच एजेंसी का मामला अदालत तक पहुंच गया है। दरअसल कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में राज्य सरकार ने सीबीआई से जांच वापस ले ली है, जिससे नाखुश होकर सीबीआई ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि 2020 में सीबीआई ने डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था, जिसकी जांच के तहत सीबीआई ने कर्नाटक के निजी चैनल जय हिंद में शिवकुमार व उनकी पत्नी उषा शिवकुमार के निवेश की जानकारी व बैंक विवरण भी मांगे थे। पिछले साल कर्नाटक कैबिनेट ने इस मामले की जाँच सीबीआई से लेकर लोकायुक्त को सौंप दी। विपक्ष ने इस कदम की काफी आलोचना की थी। पूर्व मुख्यमंत्री येदुरप्पा का कहना है कि ईडी ने सरकार को पत्र लिखकर शिवकुमार के भ्रष्टाचार का खुलासा किया था और सीबीआई के साथ जानकारी साझा कर उचित कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा कि जांच की आज्ञा हाईकोर्ट ने सीबीआई को दी थी और एक बार जांच शुरू हो जाने के बाद उसे इस प्रकार रोका नहीं जा सकता। इस मामले में अपना बयान देते हुए शिवकुमार ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक कारणों से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया, बीजेपी वाले मुझे परेशान करना चाहते हैं, यहाँ तक कि बीजेपी नेताओं पर भी इतने मामले हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे पता है कि इन सबके पीछे कौन है, समय बदलेगा और मैं न्याय के लिए लड़ूंगा। लोकसभा चुनाव के पहले ईडी ने विपक्ष पर लगातार धावा बोल दिया है, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष का कहना है कि ये सब केंद्र सरकार की विपक्ष को कमजोर करने की साजिश है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।